अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है आप लोगों की वीडियो में वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, और ये पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है या नहीं, और कौन सा पार्ट कहलाता है, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? प्रोनाउन। स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिएगा, प्रोनाउन आज का टॉपिक है। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। प्रोनाउन डेफिनेशन, द वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। समझ आई आपको? अब इसको ट्रांसलेट भी कर लेती हूँ। वो वर्ड जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अब आप सोचिए, नाउन तो पिछली वीडियो मैंने आपको बता दिया, आपको सही से समझ आ गई होगी। किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम या चीज़ का नाम क्या होता है? नाउन। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो अब प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। तो नाउन की जगह हम कौन से वर्ड इस्तेमाल करते हैं? आप ज़रा इस पर अपना दिमाग लड़ाइए। कुछ जहन में आया? मैं आपको बताती हूँ, नाउन की जगह हम कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब नाउन है जैसे अली, नाउन है कोई किसी भी जगह का नाम, मानसहरा हो गया, कुछ भी, एबटाबाद हो गया, इस तरह से। और थिंग चीज़ का नाम, चेयर। अब अली, मानसहरा और चेयर, इसकी जगह हम तीसरा कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो इसकी जगह इस्तेमाल हो? तो अली की जगह कौन सा वर्ड इस्तेमाल हो सकता है? अली की जगह ही का वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। जगह के लिए इट, देयर, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं। और चेयर के लिए इट का लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है। तो इसी तरह जो प्रोनाउन क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो यूज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे, वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। समझ आई? प्रोनाउन को उर्दू में इसमें ज़मीर भी कहा जाता है। नाउन को उर्दू में इसम कहते हैं, प्रोनाउन को इसमें ज़मीर कहते हैं। अब प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट रिप्लेसेस नाउन, या फिर इसकी डेफिनेशन बता दी है कैसे, आई, मी, ये सारे प्रोनाउन के वर्ड्स हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, आई, मी, शी, वी, दे, हु, दैट, योर्स, हिज, हर, इट, एक्सेट्रा। अब देखें, अब एक लड़की है उसके लिए हम शी या हर का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, सही है ना? इस तरह से बहुत ज़्यादा हैं तो हम अपने लिए वी का और दूसरों के लिए दे और दैम का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। अब जो चीज़ें आ जाती हैं उसके लिए हम इट का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, चेयर के लिए, साइकिल के लिए, इस तरह से और चीज़ों के लिए इट का वर्ड यूज़ हो जाता है। तो क्या करता है नाउन, प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। एक दफ़ा हम जब कोई बात कर रहे होते हैं तो एक दफ़ा हम उस बंदे का नाम, उस जगह का नाम ले लेते हैं, लेकिन बार बार उस जगह का नाम रिपीट नहीं करते, उस शख्स का नाम रिपीट नहीं करते। उसकी जगह हम ही, शी, और जगह का नाम है तो इट, या लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो दे, इस तरह के वर्ड यूज़ करके हम लोग उनके बारे में बात करते हैं, बार बार उनका नाम नहीं लेते। तो वो उनकी जगह, हम नाउन की जगह इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो उसको प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जांपल्स इसकी देती हूँ प्रोनाउंस की। अली इज़ अ गुड बॉय, ही ऑलवेज वर्क्स हार्ड। यहाँ पे क्या है? अली, अली क्या था? नाउन था ना, आपको पीछे नाउन में मैंने समझाया, अली इज़ अ गुड बॉय। अब दोबारा नहीं बोला जा रहा कि अली ऑलवेज वर्क हार्ड, यहाँ पे अली की जगह ही का वर्ड यूज़ करके उन्होंने आपको बहुत आसानी से समझा दिया कि पहले अली की जगह हमने क्या वर्ड यूज़ किया है? ही। तो अली क्या था? नाउन। और नाउन की जगह हमने क्या वर्ड इस्तेमाल किया? ही। तो ही क्या हुआ? प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल, सोनिया इज़ माय फ्रेंड। सोनिया, सोनिया, सोनिया का नाम क्या है? ये नाउन था ना, तो अब आगे सोनिया का दोबारा नाम नहीं यूज़ किया जा रहा, शी के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है। शी इज़ अ प्रिटी गर्ल, शी राइट वेरी नीटली। तो अब सोनिया की जगह हमने शी का वर्ड दोबारा यूज़ किया, और दोबारा शी का वर्ड यूज़ करने से क्या हो गया? नाउन प्रोनाउन में चेंज हो गया। ठीक है, अब नाउन क्या था? सोनिया, और प्रोनाउन क्या हुआ? शी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अली एंड सोनिया आर गुड फ्रेंड। अली एंड सोनिया आर गुड फ्रेंड्स, दे कम टू स्कूल टुगेदर। अली और सोनिया का नाम हमारे पास नाउन हो गया, और इनकी जगह हमने इकट्ठा वर्ड क्या यूज़ किया है? अब दो लोग आ गए हैं तो हमने इनके लिए दे का वर्ड यूज़ किया। अब जो दे का वर्ड हमारे पास है तो ये क्या कहता है? ये नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है। नाउन क्या थे? अली एंड सोनिया। अब इन दोनों की जगह हम दे का वर्ड यूज़ करेंगे। अली एंड सोनिया आर गुड फ्रेंड्स, दे कम टू स्कूल टुगेदर। समझ आ गई आपको?
कैसे अली के वर्ड के साथ हमने ही का वर्ड इस्तेमाल किया, ही इज़ द प्रोनाउन। सोनिया के साथ शी का वर्ड यूज़ किया, शी इज़ द प्रोनाउन। अली एंड सोनिया दो लफ्ज़ आए तो इनके लिए हमने दे का वर्ड यूज़ किया नाउन की जगह पे, तो ये दे का वर्ड क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। ठीक है, समझ आ गई है आपको। नाउन नाउन की पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, इस वीडियो में आपको प्रोनाउंस के बारे में बता रही थी। प्रोनाउंस की सही से समझ आ गई है, जो वो वर्ड्स जो नाउन की जगह इस्तेमाल हों। यहाँ पे एग्जांपल से आपको सही से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे देखें, आपको आसानी से बता रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए वो वी बोल रहा है, कभी अस बोल रहे हैं। लड़कों के लिए ही का वर्ड यूज़ इस्तेमाल होता है, लड़कियों के लिए शी का वर्ड यूज़ हो जाता है। अपने लिए हम पहली बार अपना नाम ले के बात करते हैं, उसके बाद पूरे जुमले में हम आई वर्ड यूज़ करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। इस तरह से आई का वर्ड यूज़ हो जाता है, नाउन को बार बार नहीं लिखते, प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन वर्ड्स भी आपको क्लियर हो गए हैं, शी, ही, वी, आई, अस, दैम, पीछे मैंने आपको सारे बता दिए थे ये सारे क्या वर्ड्स हैं, ये प्रोनाउंस हैं। सही से समझ आ गई, आपको रिकॉल करना है यहाँ पे प्रोनाउन क्या हुआ है और इसकी एग्जांपल क्या है। इससे आपको सही से समझ आ जाएगी, नहीं समझ आती है आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच लाऊंगी। हाँ, और यहाँ पे मैंने आपको बताना ही भूल गई कि प्रोनाउन क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच है। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन था, सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। और एक और वीडियो में मैंने लिंक यहाँ पे अपलोड कर लूँगी, जहाँ पे मैंने 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझाए हैं कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं। अब इनके लिए मैं हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के लिए अलग-अलग वीडियोज़ बना के आपको अच्छे से समझाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो देखते रहिएगा।